आप पर जानलेवा हमला खुद अप्पा साहब ने करवाया था। जो भी मैंने अभी आपसे कहा उसमें कितनी सच्चाई है ये तो इनके पूज्य अप्पा साहब भी आपको बता सकते। आपको मेरे सच का सहारा लेकर यहाँ रुकना है या अपने अप्पा साहब के झूठ का सहारा लेकर यहाँ से चले जाना है, इस बात का फैसला आप करें। क्या बात है भाई? What's the matter? सिद्धार्थ, is it possible? जो कुछ भी गर्व ने कहा क्या वो सच है? बोलो सिद्धार्थ, प्लीज टेल मी। वो मेरे अप्पा साहेब है, अजूबा है वो मेरे। क्या तुम्हें लगता है कि वो गोली सचमुच अप्पा साहेब ने मुझ पर चलाई है? बोलो सिद्धार्थ, प्लीज टेल मी, मुझे जवाब दो। इन 20 सालों में एक भी ऐसा पल नहीं बीता होगा सिद्धार्थ जब मुझे अप्पा साहब की याद नहीं आई। मेरी हमेशा से इच्छा थी कि मैं उनसे मिलूं, उनका आशीर्वाद लूं। और ये सब क्या हो गया सिद्धार्थ? क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि ये हमला अप्पा साहब ने मुझ पर करवाया है? हाँ, ये गोली अप्पा साहब के कहने पर चलाई गई हो? बोलो सिद्धार्थ, मुझे जवाब दो। I need to know the answer. Please tell me, सिद्धार्थ। Enough, गौरी। Calm down. किस बात का डर है तुम्हें गौरी? किस बात से तुम इतनी परेशान हो? क्या तुम्हें इस बात का डर है कि गर्व ने जो भी कहा वो सच तो नहीं? क्या तुम इस बात से परेशान हो कि तुम अप्पा साहब से ये सवाल कैसे करोगे? बोलो गौरी, जवाब दो। गौरी, वो तुम्हारे अप्पा साहेब है, चलो उनके पास और चल के पूछ लो जो भी तुम्हें उनसे पूछना। कम ऑन, लेट्स गो। कम ऑन, देवा, ये महारानी परत आली की काय? गौरी, चल। अप्पा साहब, कहाँ हो आप? आपकी जिंदगी के वो सारे पन्ने अब खुलने जा रहे हैं जिन्हें आज तक आपने सबसे छुपा कर रखा। आपका बुरा वक्त शुरू होने जा रहा है। अप्पा साहेब। गौरी, गौरी, क्या हुआ? मुझे अप्पा साहेब से बात करनी है।
अप्पा साहेब। गौरी, मुझे सच जानना है। कौन सा सच? उस दिन जो मुझ पर गोली चली थी और जो जो मुझ पर जो हमला हुआ था, वो क्या वो आपके कहने पर हुआ था? क्या कह रही है आप? वो गर्म मुझे कह रहा था कि जो हमला मुझ पर हुआ था और मुझ पर जो गोली चली थी, वो आप आपके कहने पर चली थी। क्या ये सच है आपका साहब? सज्जन नायक को, सज्जन नायक को थोड़ा थांबा। ये तो आमी, क्या बात है गौरी, ये कैसा सवाल पूछा आपने अप्पा साहब से? वाह महारानी वाह, क्या कहा आपने? एक देवता समान आदमी पर इतना बड़ा इल्जाम लगाने से पहले कुछ तो सोचा होता। भाई, ये सवाल गौरी ने हमसे किया है, हम उसका जवाब देंगे। सच जानना है आपको, ये देखिए। ये हार उस दिन हमारे छत पे मिला, उसी छत पे जहां से गौरी पर गोली चलाई थी। और सच कहते हो, उसी छत पे जहां से गर्व ने गौरी पर गोली चलाई थी। ये सब गर्व की चाल है, चाल। उसके निशाने पे आप नहीं थी, पृथ्वीराज थे। पृथ्वीराज वो तो गलती से गोली आपको लग गई, गर्व शिंदे चाहता है कि आने वाले चुनाव में हम पृथ्वीराज का नामांकन वापस लें, और इसीलिए ये सब कुछ कर रहा है वो।
हम चाहते तो उस दिन पुलिस कमिश्नर को सारी बात बता देते और उस गर्व शिंदे को जेल में भेज देते, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। क्योंकि हमें तुम्हारी फिक्र थी, हमें तुम्हारी परवाह थी गौरी। हमने ऐसे सोचा था कि आप यहां से चली जाओगी, आपके परिवार में सुरक्षित रहोगी और उसके बाद हम घर को उसके किए की सजा देंगे। हम नहीं चाहते थे कि वो दोबारा आपको किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाए। हमें तो सिर्फ हमारे परिवार की सुरक्षा की चिंता थी, आपकी चिंता थी। हमें इस बात का दुख नहीं हुआ कि यह सवाल आपने किया। हमें अफसोस तो यह हुआ कि ये सवाल आपके मन में आया कैसे। गौरी, हम आपके आजुबा हैं, हम आपकी जान लेने की सोचेंगे। हम तो आपकी आपके लिए हमारी जान न्योछावर करने के लिए तैयार है। हाँ, मारने की कैसे सोच सकते हैं? नहीं गौरी, देखो गौरी, जो सच था हमने आपके सामने रखा, आपसे सब सच कह दिया। अब ये आप पे निर्भर करता है कि किसकी बात पे भरोसा करें। गर्व शिंदे की या अपने अप्पा साहेब की, आप पर निर्भर करता है। इतना वक्त बीत गया, अब तो गौरी को उसके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अप्पा साहेब, अब आपका बुरा वक्त शुरू होता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।